बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी जगह पे आए हुए हैं कि जिन्होंने अपना स्टार्ट ज़ीरो से लिया। ज़ीरो से स्टार्ट लेने के बाद कुछ ही अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 5 से ज़्यादा ब्रांचेस चला रहे हैं। तो वो जो कहा जाता है कि मेहनत का फल अल्लाह पाक देता है, आज उसी सिलसिले की ये एक कोशिश भी, काविश भी, कि किस तरीके से बिज़नेस को स्टार्ट किया, कैसे अपनी ब्रांचेस बनाई और उन ब्रांचेस को बनाने के बाद कैसे अपने कारोबार को वसत दी। वो कहते हैं ना कि किसी भी कारोबार को करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा। जी, मेरा नाम असद अब्बास है, मैं एज ए मैनेजर इस कंपनी में सर्व कर रहा हूँ दो सालों से। तो आपने ये कैसे इस बिज़नेस का, आपके ओनर ने स्टार्ट लिया, क्या से उनको आइडियाज़ आया और कैसे उसने इसका इम्प्लीमेंट किया? जी, 2018 में सबसे पहले हमने अपनी ब्रांच मौला मुल्तान में पहली ब्रांच ओपन की थी, तो काफ़ी अच्छे लोगों का रिस्पॉन्स मिला ना। उसके बाद हमने और भी ब्रांचेज बनाई मुल्तान में, देन उसके बाद और आउट ऑफ सिटीज में हम गए और प्रीमियर खान शालकोट फैसलाबाद में भी हमने अपनी ब्रांच ओपन की। तो हमारे ये असद अब्बास साहब से पूछेंगे कि आपके जो ओनर हैं उनको ये आइडिया कैसे आया और उन्होंने कैसे इस काम को शुरू किया और कैसे इसको फिर पाया तक मिल तक पहुँचाया। जी, जो कंपनी के ओनर हैं ना वो आउट ऑफ कंट्री रहते थे, तो वहाँ से उन्होंने आइडिया को कैच करके यहाँ पर लॉन्च किया, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें, काफ़ी ना आइडिया हमारा यहाँ सक्सेस रहा है पाकिस्तान में। तो ये जिस तरीके से हम भी अक्सर लोग फॉरेनर जाते हैं और वहाँ पे जाके हम चीज़ों को देखते हैं, पिक करते हैं और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में जाके उसको इम्प्लीमेंट करें, तो इनके ओनर्स ने भी ऐसे किया कि वो पाकिस्तान से बाहर गए, वहाँ से आइडिया लाए और आइडिया लाने के बाद काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सक्सेस भी रहा और इस तरह आप मुख्तलिफ ब्रांचेस के जरिए वो काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो असद भाई, एक ये बताइएगा कि आइसक्रीम की तो बहुत सारी दुकानें भी हैं, पार्लर भी हैं और बहुत सारे लोग चला भी रहे हैं, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज के हैं, आपकी आइसक्रीम के अंदर ऐसी क्या खूबी है कि लोग आपके पास आएँ और आके आपकी आइसक्रीम भी खाएँ और उसके साथ साथ इंजॉय भी करें उसको? जी जी, हमारी आइसक्रीम एक तो फ्रेश हम रेडी करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए, मुकम्मल हाइजीनिक तौर पर। इसके अलावा हमारे यूनिक फ्लेवर हैं जो कि मार्केट में पहले कहीं अवेलेबल नहीं है, जिसमें हमारा शाही गुलाब जामुन फ्लेवर है, पान पंच है, लोटस आइसक्रीम है, हमारी स्पेशलिटीज़ में शामिल है। तो एक यूनिक चीज़ हम दे रहे हैं डिफरेंट ब्रांड बाकी ब्रांडों से ना। तो ये मेरा ख्याल है जो ये नाम बता रहे हैं वो मैंने भी पहली दफ़ा सुने हैं और मैंने भी पहली दफ़ा ही मुझे पता लगा। तो अगर इस तरह की देखें चेंजिंग आएगी, तब्दीली आएगी और एक अच्छा फ्लेवर और अच्छी आइसक्रीम आएगी तो लोग कैसे नहीं वहाँ पे आएंगे। तो ज़रूर आएँ और ज़रूर आके आप भी यहाँ पर इस चीज़ को इंजॉय करें, खाएँ और देखें कि किस तरीके से स्पेशल आइसक्रीम है जो यहाँ पर तैयार की जाती है। तो ये बताइएगा, अगर कोई फ्रेंचाइज लेना चाह रहा है तो उसके हवाले से आप कैसे उनसे कि मतलब अंदाजन वो कितने पैसों के अंदर काम शुरू कर सकता है, उसके कितने के एक्सपेंसेस आएंगे, तो ताकि थोड़ा सा नौजवानों को ये भी पता लगे, नए बिजनेस करने वालों को, कि भाई कितना किसके ऊपर उनका खर्चा आएगा या सुनो। जी, फ्रेंचाइज जो है वो डिफरेंट सिटीज़ के हिसाब से उनको देते हैं उस फ्रेंचाइजी को ना, तो वो इंशाल्लाह जैसे कोई कॉन्टैक्ट करेगा तो हम उनसे डील कर लेंगे। जी, मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से मुख्तलिफ रेट्स हैं, जितना बड़ा शहर होगा डेफिनेटली उसके लिए उतनी ही अच्छी दुकान होगी, उतना ही अच्छा डिस्प्ले और उतनी ही अच्छी वहाँ पे मार्केटिंग की ज़रूरत होगी। तो जो भी दोस्त इसमें दिलचस्पी रखते हो वो ज़रूर रब्ता करें। एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जिस तरह आजकल ऑनलाइन भी लोग चीज़ें मंगवा रहे हैं, डिलीवरी भी करवा रहे हैं और घर बैठे चीज़ों को कर रहे हैं, स्पेशली कोरोना के बाद ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, तो आया आपके पास भी ये सर्विसेज है, आप भी इस तरीके से डिलीवरी देते हैं या कम? जी, एक महीने पहले हमने अपनी ऐप लॉन्च की है गूगल प्ले स्टोर पर और एप्पल स्टोर पर ना, उस पर आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको घर बैठे हम आइसक्रीम डिलीवरी मिल जाएगी। तो एक और बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिस तरीके से वक्त के साथ साथ चीज़ें ज़्यादा तेज़ होती जा रही हैं, मुख्तलिफ ऐप्स आ रही हैं और डिजिटल चीज़ें होती जा रही हैं, तो इसी तरीके से आप घर बैठे भी आइसक्रीम को खा भी सकते हैं और इंजॉय भी करते हैं और वक्त को सेव करते हुए आप अपने घर पर भी डिलीवरी मंगवा सकते हैं। थोड़ा सा ये नाइट्रोजन के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि आया इसका कोई नुकसान तो नहीं है अगर हम इसको यूज़ करें, इसके मुतालिक थोड़ा सा आप बताइए। जी जी, नाइट्रोजन का कोई नुकसान ही है, हमारा इदारा जो है रजिस्टर्ड है कंपनी हमारी, इसके अलावा फूड अथॉरिटी के लाइसेंस भी हैं हमारे पास, तो उसके मुतालिक कोई भी नुकसान वगैरह नहीं है। मुकम्मल हाइजीनिक तौर पर आइसक्रीम हम सर्व करते हैं कस्टमर को ना,
तो हाइजीनिक प्योरिटी है हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सेहत के उसूलों के मुताबिक। और दूसरा ये आप देख भी रहे होंगे कि पंजाब फूड अथॉरिटी का यहाँ पे लगा भी हुआ है सर्टिफिकेट और उस हवाले से भी ये चीज़ हो रही है। तो अब एक तो आपने काम शुरू किया, आपने खुद उसके साथ थे, आपके ओनर्स भी उसमें साथ थे, तो अब आपके पास ऑलमोस्ट आपकी ब्रांचेज के ऊपर कितने एम्प्लॉयज हैं जो काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट हमारी ब्रांचेज इस टाइम 13-14 एम्प्लॉयज हैं जो इस टाइम काम कर रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ ब्रांचेज पे। तो मतलब आप खुद भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपने लोगों को रोजगार भी दिया। और ये जो हमारी एक बहन भी खड़ी है, फीमेल भी है, तो स्टाफ हमने रखा हुआ है, फीमेल स्टाफ भी रखा हुआ है। मतलब मैं मर्दों के साथ साथ, नौजवानों के साथ साथ ख्वातीन के लिए भी ये एक बहुत अच्छा सिलसिला हो रही है। और जिस तरीके से बाहर आपने ये एरिया बनाया हुआ है, ये बहुत ही अच्छा एरिया है और इसी तरीके के चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो अगर कोई भी दोस्त फ्रेंचाइजीज़ के हवाले से भी रब्ता करना चाहे तो वो भी रब्ता कर सकता है, तो उनसे ये देख सकता है। और अगर कोई नौजवान लर्निंग के हवाले से आपके पास आता है कि मैं काम को सीखना चाह रहा हूँ या करना चाह रहा हूँ, तो उस हवाले से भी आप उनको गाइड करते हैं? जी, उस हवाले से भी हम गाइड कर देते हैं। अगर कोई लर्निंग के लिए आएगा तो इंशाल्लाह उसके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे, उसको गाइड करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। अगर वो फ्रेंचाइजिंग में इंटरेस्ट रखता है तो उसको पहले मुकम्मल गाइड करेंगे, दैन आगे हम आगे उसको बढ़ाएंगे, उसको बढ़ाएंगे भी। तो आप ये हमारी जो वीडियोज़ हैं इसको ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको भी पता लगे कि ये पाकिस्तान का जो नौजवान है वो किस तरीके से नई चीज़ों को क्रिएट कर रहा है और क्रिएट करने के बाद मार्केट में उसका रिस्पॉन्स और बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। थैंक यू।